केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के बाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास देखने को मिला। विभिन्न क्षेत्रों में पहले के मुकाबले बदलाव देखा गया। अनुच्छेद 370 के हटने से केंद्र सरकार की योजनाएं, निवेश और परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग तक भी पहुंचने लगी हैं। सड़कों, पुलों और कनेक्टिविटी का भी अनंतनाग में विस्तार हुआ है और बेहतर परिवहन नेटवर्क की सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे न केवल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि स्थानीय निवासियों तक भी आवश्यक सेवाएं पहुँच रही है। दफा 370 एक वर्ड था, ये एक वर्ड था जो यहाँ के रीजनल पार्टी से 30-70 सालों से इसी नाम पर लोगों को वोट लेते रहे और अपने जो खानदानी राज है वो चलाते रहे, चाहे उसमें पीडीपी हो, एनसी हो या बाकी हो, जिन्होंने खानदानी राज यहाँ पर किया और खानदानी राज करके इस वर्ड से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक टेम्पररी था, इस वर्ड से यहाँ के लोगों को लूटा। हमें चाहिए कि यहाँ की तरक्की वो उस 370 में हमने कभी नहीं देखी जब वो स्लोगन पर देखते थे। हमको चाहिए डेवलपमेंट नहीं थी, हमको चाहिए रोजगार के अनएम्प्लॉयड यूथ्स जो बेरोजगार है वो चाहिए। आजकल की डेट में आप देख रहे हो, भले ही आइडियोलॉजी किसकी क्या हो, डिफरेंट हो, मगर हम कहेंगे आज अगर किसी हॉस्पिटल में आज कोई जाएगा उसको फ्री ऑफ कास्ट इलाज मिलता है, अगर किसी गरीब के पास बेटी के पास शादी करने के लिए पैसा नहीं उसको मरेज असिस्टेंस मिलता है, अगर किसी बुजुर्ग बेवा जो विडो होती है उसके पास पैसे नहीं होते दवाई के लिए या कुछ के लिए उसको वहाँ पर ओल्ड एज पेंशन मिलता है। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, अगर हम पीएम किसान की बात करें, जो किसान मरे थे आज जिनके पास मतलब फसल उगाने के लिए कुछ नहीं था उनको पैसे मिल रही है। आप हिस्टोरिकल डिसीजन देखोगे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो हिस्टोरिकल डिसीजन है 5,000 करोड़ जिसकी बजट है 5 साल के लिए वो हो गया। अगर आप देखोगे कि पीएमएवाई जिन गरीबों के पास मकान नहीं, 1 लाख से ज़्यादा मकान यहाँ पर बने जिन गरीबों के पास मकान नहीं थे, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हार्टिकल्चर की बात करें, म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें, रूरल डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम बाकी डिपार्टमेंट की सोशल वेलफेयर की बात करें, अगर हम और डिपार्टमेंटों की बात करें, टूरिज्म सेक्टर की बात करें, जो टूरिज्म बैठा हो चुका था आज टूरिज्म में लाखों की लोग आते और यहाँ पर आते। आप देख ले पिछले साल कितने श्रद्धालु पवित्र गुफा तक अमरनाथ यात्रा पर आए और यहाँ पर दर्शन किया कितने, और वो 370 उन्होंने खाली एक दो तीन पार्टियों के लिए अपने खानदानी राज के लिए वो रखा था और कुछ नहीं था वो। मगर लोगों को चाहिए यहाँ पर रोज़गार वो मिलना चाहिए नौजवानों को, लोगों को चाहिए तरक्की वो मिलनी चाहिए, यहाँ पर हो रही है तरक्की। अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में लोगों को वह सारे अधिकार मिलने लगे हैं जिससे पहले वे वंचित थे।